हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा यूनिट टू लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स क्या होता है, हंसना, इससे रिलेटेड हमारा यूनिट टू पढ़ेंगे, जिसका सेक्शन वन है द कंजरर्स रिवेंज। अब आपको पता है कंजरर क्या होता है? कंजरर होता है एक मैजिशियन, जादूगर, और रिवेंज का मतलब होता है बदला। जो एक जादूगर है वो अपना बदला कैसे लेता है और वो क्या करता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Laughter is the best medicine, so why do we have to wait for events and happenings to make us happy? Be happy and spread happiness. Happiness comes back to you. Laughter जो है वो सबसे अच्छी दवा है, हंसी जो है सबसे अच्छी दवा है। तो हम क्यों किसी ऐसी घटना या इस इवेंट का इंतज़ार करें जो हमें हंसाए, जो हमें खुशी दे? हमेशा खुश रहो और खुशी को बांटते रहो, मतलब फैलाते रहो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें खुशी वापस मिलती है, ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड द कंजरर, हैविंग शोन यू दैट द क्लोथ इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, आई विल प्रोसीड टू टेक फ्रॉम इट अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश पेस्ट्रो। अब जो कंजरर है वो कहता है, लेडीज़ और जेंटलमैन, एक कपड़ा दिखाता है जो एकदम खाली होता है, वो कहता है इसमें से मैं गोल्ड फिश का बाउल निकालूंगा। पेस्ट्रो का मतलब होता है जब मैजिशियन अपने काम को ख़त्म करते हैं ना, तब वो बोलते हैं पेस्ट्रो, ठीक है। ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग ओ हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। तो जो पूरा जो हॉल है उसमें सब लोग कहने लगते हैं हाउ वंडरफुल, कितना अच्छा है, कितना आश्चर्यजनक है, इसने यह कैसे किया, ऐसा सारे लोग वहाँ पर बोलने लगते हैं। बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट सेड इन अ बिग विस्पर टू द पीपल नियर हिम, ही हैड इट अप हिज स्लीव्स। लेकिन आगे की सीट पर एक आदमी बैठा रहता है जिसका नाम क्विक मैन बताया है राइटर ने, वो कहता है सबके कानों में, जितने भी लोग उसके पास बैठे होते हैं, कि यह उसकी स्लीव्स यानी कि आस्तीन में से निकला है, उसकी आस्तीन में था। देन द पीपल नोडेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड ओ ऑफ कोर्स, एंड एवरीबडी विस्पर्ड राउंड द हॉल ही हैड इट अप हिज स्लीव्स। तब वहाँ बैठे लोग भी क्विक मैन से कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, यह सब लोग धीरे धीरे बोलने लगते हैं, सब लोगों के पास वो बात पहुँच जाती है हॉल में कि यह उसने उसकी आस्तीन में से निकाला है, उसकी आस्तीन में था। माय नेक्स्ट ट्रिक सेट कंजरर इज़ द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स, यू विल नोटिस दैट द रिंग्स आर अपरेंटली सेपरेट एट द ब्लो, दे आर All joint clang 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 pestro। उसका वहाँ बैठे लोग जो क्विक मैन से सारी बात मान लेते हैं, उसके बाद कंजरर कहता है मेरी नेक्स्ट ट्रिक, वो उसकी अपनी नेक्स्ट ट्रिक जो दूसरी ट्रिक है वो बताता है। वह कहता है ये फेमस हिंदुस्तानी रिंग है, आप देख सकते हैं ये रिंग्स जो हैं अलग अलग हैं, वो एक झटका देता है, क्लैंग करता है, जिससे वे जुड़ जाती हैं। There was a general buzz of amazement till the quick man was heard to whisper he must have had another lot up his sleeves। फिर से मतलब वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो करता है, और जो क्विक मैन है वो वापस से क्या बोलता है कि उस वो जो धीरे धीरे से वो सिर हिलाता है और फिर बोलता है कि ये छल्ले ऊपर है, मतलब जो वो रिंग्स हैं वो सब उसकी स्लीव्स के अंदर से निकले हैं और वो उसकी स्लीव्स में बहुत सारे हैं। अगेन एवरीबडी नोडेड एंड विस्पर द रिंग्स वर अप हिज स्लीव्स। तुरंत वापस सब लोग जो है ऐसा फुसफुसाने लगते हैं कि ये छल्ले उसके स्लीव्स में से निकले हैं। द कंजरर्स ब्रो अप क्लाउडेड विद अ गैदरिंग फ्रॉन, आई विल नाउ ही कंटिन्यूड शो द मोस्ट अम्यूजिंग ट्रिक बाई विच आई एम अनेबल टू टेक एनी नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम अ हैट, विल सम जेंटलमैन काइंडली लेंड मी हिज हैट, आ थैंक यू पेस्ट्रो। फिर
वो मतलब उसको बहुत गुस्सा आ जाता है जब वो ऐसा सुनता है। वो अपना आपा खो देता है। फिर वो बोलता है कि अब मैं आपको बहुत सारी मतलब वो बहुत सारी ट्रिक्स दिखाता है, लेकिन ये जो क्विक मैन था ये सबसे बोलकर उसकी सारी जो ट्रिक्स है उनको ख़राब कर रहा था। तो वो बोलता है कि अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा जिसमें से मैं एक हेड में से एग्स निकालूंगा, अंडे निकालूंगा। तब वो एक व्यक्ति से बोलता है क्या कोई मुझे अपना हेड देगा। तो एक आदमी उसको अपना हेड देता है। तो उसको बोलता है थैंक यू। ही एक्सट्रैक्टेड 17 eggs एंड फॉर 35 seconds द ऑडियंस बिगन टू थिंक दैट ही वॉज वंडरफुल। वो उसमें से 17 eggs निकालता है उस हेड में से, और वहाँ पर 35 seconds में ही और सारी ऑडियंस वहाँ पर ये सोचने लगती है कि कितना आश्चर्यजनक है, कितना वंडरफुल है। देन द क्विक मैन विस्पर्ड अलॉन्ग द फर्स्ट बेंच ही हैज अ हैंड अप हिज स्लीव्स एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड ही हैज अ हैंड अप हिज स्लीव्स द एक्ट ट्रिक वॉज ट्यून। वो जो क्विक मैन है वो वापस सबके कानों में बोलता है, धीरे धीरे से बोलता है कि उसके स्लीव्स में, उसके आस्तीन में खैन है, और सारे लोगों तक वो बात चली जाती है। और उसकी एग वाली ट्रिक भी वो ख़राब कर देता है, रिउन कर देता है। इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल दो इट सीम्स फ्रॉम द विस्पर ऑफ द क्विक मैन दैट द कंजरर मस्ट हैव कॉन्सील्ड अप हिज स्लीव इन एडिशन टू द रिंग्स हैंड्स एंड फिश सेवरल पैक्स ऑफ कार्ड्स अ लूफ ऑफ ब्रेड अ डॉल क्रैडल अ लाइव पैरट अ 50 cent पीस एंड अ रॉकिंग चेयर। वो इतने सारे पूरे खेल दिखाता है, जो मतलब एक रिंग्स का, हैंड्स का, फिश का, कार्ड्स का, ब्रेड का, डॉल का, क्रेडल का, लाइफ पैरट का, 50 cent पीस का, सब रोलिंग रॉकिंग चेयर सब। तो उस सब सबके समय वो यही बोलता है कि वो सब उसकी स्लीव्स के अंदर से निकल रहे हैं। द रेपुटेशन ऑफ द कंजरर वॉज रैपिडली शंकिंग ब्लो ज़ीरो एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही मेक अ फाइनल एफर्ट। जो कंजरर था, जो मैजिशियन था, उसकी रेपुटेशन पूरी ख़राब हो रही थी क्योंकि वो सबके सामने ऐसा बार बार बोल रहा था। तब वो जो एंड रहता है दिन का, शाम का समय जब होता है, जब ख़त्म होने वाला शो रहता है, तब वो एक फाइनल ट्रिक बताने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि अब वो एक फाइनल ट्रिक बताएगा। विल हिज फाइनल एफर्ट भी सक्सेसफुल। क्या उसकी फाइनल एफर्ट सक्सेसफुल हुई? तो अब हम यहाँ देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ही सेड आई विल प्रेजेंट टू यू इन कंक्लूजन द फेमस जैपनीज ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द पीपल ऑफ टिपरेरी। विल यू सर, ही कंटिन्यूड टर्निंग टुवर्ड्स द क्विक मैन, विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच, इट वॉज पासेस टू हिम। तब वो बोलता है लेडीज़ और जेंटलमैन, अब मैं आपके सामने बिल्कुल उसके कंक्लूजन में, एंड में एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ जो कि जापान की फेमस ट्रिक है, जो वहाँ के टिपरेरी पीपल्स हैं उन लोगों ने इसको इन्वेंट किए, इसको बनाई है। और वो ऐसा बोलते हुए उस क्विक मैन की तरफ टर्न होता है और उनसे बोलता है कि आप मुझे अपनी गोल्ड वॉच देंगे। वो गोल्ड वॉच उस तक पहुँचा दी जाती है। द कंजरर थ्रू द वॉच इन टू द मोर्टार एंड ग्रेस्प्ड अ स्लेज हैमर फॉर द टेबल। देयर वॉज साउंड ऑफ वायलेंट स्मैशिंग। जो कंजरर था वो उसकी वॉच लेता है और उसको एक हथौड़े से तोड़ देता है टेबल के ऊपर, जिसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़ निकलती है उसके टूटने की। ही स्लिप्ड अप हिज स्लीव्स विस्पर्ड द क्विक मैन। क्विक मैन उस समय भी कहता है कि वह उसकी आस्तीन में चली गई है। Now, sir, continued the conjurer, will you allow me to take your handkerchief and punch holes in it? फिर वह उससे उसका handkerchief लेता है, उसमें बहुत सारे वो गड्ढे कर देता है। Thank you. See, ladies and gentlemen, there is no deception. The holes are visible to the eye. वो उसमें बहुत सारे गड्ढे कर देता है और लोगों को बोलता है देखिए इसके अंदर इतने होल हैं, आप लोग इससे आर पार देख सकते हैं। The face of the quick man beamed. This time the real mystery of the thing fascinated him.
वो जो क्विक मैन रहता है उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है, वो एकदम से सोचने लगता है। ये उसके लिए सारा रहस्य था। वो इन सब चीज़ों को क्या मान रहा था कि सारी चीज़ें जो हैं वो जो जो कंजरर है, जो मैजिशियन है, उसकी आस्तीन में जा रही हैं। नाउ सर, विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट। फिर वो बोलता है, सर क्या आप मुझे आपका सिल्क का हैट देंगे, मैं उसके ऊपर, और मुझे अलाउ करेंगे, परमिशन देंगे कि मैं उसके ऊपर डांस कर सकूं। वो हैट उसको देते हैं। फिर वो बोलता है, थैंक यू। द कंजरर मेड सम मूवमेंट्स विथ हिज फीट एंड एग्जिबिटेड द हैट क्रश्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। जो कंजरर है वो कुछ हरकतें कर कर अपने पैरों से उस जो वो जो हैट था उसको पूरा खराब कर देता है। विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर शर्ट कॉलर, परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल। फिर वो उनसे बोलता है, सर क्या आप मुझे आपकी शर्ट की कॉलर देंगे जिसको मैं कैंडल से जला सकूं। फिर वो उसको मिल जाती है तो वो कहता है, थैंक यू सर। नाउ विल यू अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्टल्स फॉर यू विथ माई हैमर, थैंक यू। फिर वो उसके चश्मे को मांगता है और उसको भी वो अपने हथौड़े से तोड़ देता है। बाय दिस टाइम द फीचर्स ऑफ द क्विक मैन वर टेकिंग ऑन अ पजल्ड एक्सप्रेशन। दिस थिंग बीट्स मी बी ही विस्पर्ड, आई डोंट सी थ्रो इट अ बिट। वो इस समय तक उसके जो चेहरे के हाव भाव थे वो एकदम पहेली नुमा हो जाते हैं। वो एकदम सोचने लग जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। देयर वॉज अ ग्रेट हश अपॉन द ऑडियंस। देन द कंजरर ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट एंड विथ अ वेदरिंग लुक एट द क्विक मैन ही कंक्लूडेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल ऑब्जर्व दैट आई हैव विथ दिस जेंटलमैन्स परमिशन ब्रोकन हिज वॉच, बर्ट हिज कॉलर, स्मैश्ड हिज स्पेक्टल्स एंड डांस्ड ऑन हिज हैट। इफ़ ही विल गिव मी फर्दर परमिशन टू पेंट ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन हिज ओवरकोट और टू टाई हिज सस्पेंडर्स इन अ नॉट, आई शैल बी डिलाइटेड टू एंटरटेन यू। इफ़ नॉट, द परफॉर्मेंस इज एट एन एंड। फिर वह बोलता है, कंजरर जो मैजिशियन है वो लोगों से बोलता है कि आप लोगों ने देखा किस तरह से मैंने इनकी परमिशन से ही इनके जो वॉच को तोड़ दिया, कॉलर को जला दिया, जो उनके चश्मा था उसको भी तोड़ दिया, उनके हेड पर भी डांस किया। अगर ये मुझे परमिशन देते हैं तो मैं इनके कोट के ऊपर ग्रीन पेंट से स्ट्राइप्स बनाना चाहता हूँ, ऐसा सब वो बोलता है। और फिर बोलता है कि अगर परमिशन है तो ठीक है, नहीं तो जो परफॉर्मेंस है जो वो शो कर रहा है वो ख़त्म होता है। एमिड अ ग्लोरियस बर्स्ट ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा अ कर्टन फेल एंड द ऑडियंस ब्रोक अप, कन्विंस्ड दैट देयर आर सम ट्रिक्स एट एनी रेट दैट आर नॉट अप द कंजरर स्लीव्स। जो ऑर्केस्ट्रा है उसमें एक म्यूज़िक की ट्यून बजती है, एक धुन बजती है और जो पर्दे हैं वो गिर जाते हैं और लोग जो वहाँ पर हैं वो समझ जाते हैं कि इसने अपना रिवेंज लिया है। वो भी समझ जाता है उसने अपना रिवेंज लिया है और लोगों को पता चल जाता है कि कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो उसकी मैजिशियन की आस्तीन में से नहीं निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक म्यूजिशियन के बारे में कि वो जब भी अपनी कोई भी ट्रिक करता था, वहाँ सामने बैठा एक व्यक्ति जो है उसको बोल देता था, सब लोगों को कानों में बोल देता था कि ये सब उसने अपनी स्लीव में से निकाला है। वो कोई सी भी ट्रिक करता वो उसमें वो ऐसा ही बोलता था। तब जो मैजिशियन था, जो कंजरर था, उसने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए उस क्विक मैन से उसकी सारी चीज़ों को मांग कर उन सबको ख़राब कर दिया, तोड़ दिया, जिससे उसका बदला भी पूरा हो गया और लोगों को भी समझ में आ गया कि सारी ट्रिक्स जो मैजिशियंस हैं वो अपनी आस्तीन में से ही नहीं करते हैं, कुछ ट्रिक्स अलग भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।